मैं पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जासो, पिंडी 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 जासो, पिंडी 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 डबल एट डबल एट पिंडी। अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और एक और मज़ेदार सस्ती शायरी के साथ। तो अर्ज़ किया है पब्लिक कि ईद पे खाया हम सब ने मीठा पान है, वाह 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 वाह। ईद पे खाया हम सब ने मीठा पान है, M4 सिर्फ हमें पसंद ही नहीं, M4 हम सबकी जान है। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। ये बात तो गाइस है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ईद पे खाया हम सब ने मीठा पान है, M4 सिर्फ हमें पसंद नहीं, M4 हम सबकी जान है। तो ये बात तो वैसे सच है। देख लो कैसी सस्ती शायरी सुनाई सच वाली आपको। तो इसी सस्ती शायरी पे लाइक बटन ठोक दो, सबके सब जाके तोड़ डालो लाइक बटन। गाइस आज हम लाइक स्कैम रखेंगे 41,000, वो आप बहुत इजीली पूरा कर दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जल्दी हम लोग 600,000 की फैमिली कंप्लीट कर लेंगे एनोनिमस की पब्लिक। तो लाइक दो गेमों में ना गाइस, इससे पहले वाली दो गेमों में मैं मर गया था, मेरे तीनों टीममेट जिंदा थे। अब जो लाइक अब मेरे साथ ऐसा होता ना कि लोगों को पता है एनोनिमस है ना, फिर वो लोग क्या करते हैं, अगर नॉक कर देना फ़ौरन से फिनिश कर देते हैं। तो लाइक मैं अक्सर जल्दी मर जाता हूँ। फिर लास्ट दो गेमों में भी यही हुआ था, तो इस बार हम काफ़ी जैसे कहते हैं ना गुस्से वाला दर्द उसमें थे कि दो गेम मर गया, इसमें अच्छा ट्राई करूँगा। तो कुछ ऐसी हालत थी, और फिर मैं ट्राई मतलब अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इंशाल्लाह इस गेम में तो अपना गेम प्ले बनाना है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अब गाइस ये लेफ्ट पे स्क्वाड जा रहा था सिटी में, जो कि मैं देख चुका था कि सिटी जा रहे हैं, और दो बंदे हमारे साथ आएंगे जॉर्जो पुल, उनसे गन फायर तो नहीं होगी बट हाँ डुओ स्क्वाड आ गया था। लेकिन मतलब डुओ स्क्वाड आ गए थे, हम लोग चार खेल रहे थे आज, और ये जूबी सालन ना ऑल पे लगे हुए थे कि भाई हम लोग आपको झूठा मोटा नाम बता के और लाइक सब कुछ उल्टा सीधा बता के उनको, और कह रहे थे जॉर्ज पुला चाहिए वो, ये बस इनका यही काम है, ऑल पे जाएंगे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अपनी आवाज़ बदल के। तब दो बंदे आए थे और फिर मुझे यहाँ पे मिलेगी पहले SKS, सामने पड़ी थी हमारी सकारल गैस। फिर मुझे सकारल मिले, मैंने कहा बस अब मैं लाइक फाइट लेता हूँ। फर्स्ट कंटेनर देखा था लैंड होते हुए, थोड़ी देर तो नज़र नहीं आई, मैं स्पॉट करता रहा लेफ्ट राइट, अरे बंदे कहाँ हैं बाबा जी, बट कोई नज़र नहीं आया। जैसे नज़र आया मैं स्प्रे दिया, और यहाँ पे एक भाई को नॉक किया, दूसरे भाई का अब देखो मुझे लगा उनके पास गन है ठीक है, और वो एकदम से राइट से नज़र आना, अंदाज़ा नहीं था कि ये जंप कर रहे हैं, लाइक सच में गाइज नहीं था कि वो जंप करके मीटअप कर रहे हैं। गाइज ऐसे मीटअप नहीं किया करो यार, मुझे खुद दुख होता है कि आप लोग मिल रहे हैं मैंने मार दिया, बट अब मुझे खुद बताओ जब एक टीममेट को नॉक किया दूसरे वाला मारने ही आएगा ना, और मैं बिल्कुल ये सोच के बैठा था कि मारने आ रहे हैं, तो फिर मैं एम करके जा रहा था वहाँ पे, और अचानक से दो तीन बुलेट लगी, अब वहाँ पे भाई नॉक हो गए, और दोनों ही थे आपके टीममेट भी पास में नहीं थे, तो भाई उसके लिए सॉरी। बट जब फाइट ले रहे हो ना प्लीज़ फाइट ले लिया करो, और तो उस टाइम ना मुश्किल हो जाता है लाइक ऐसे अचानक से ना पता नहीं होता ना, फिर मुश्किल हो जाता है, पता नहीं है, हम तो ये सोच के खेल रहे होते हैं सबके एनिमी है, तो इसलिए बाकी सॉरी गाइस। अब सिटी वाले स्क्वाड पे रश करने आए थे, और यहाँ पे मेरे टीममेट भाई पहुँच गए आगे मुझसे किल चुराने, और फिर बाबा जी यहीं से कैसे पिंडी बॉय बोलते हम लोग जो की सिटी में घूम रहे थे। गाइस मैं टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे ना वीडियो बना के अपलोड करूँगा जो हमने सिटीज़ के नाम रखे हैं, तो आप लोग वो सेव कर लेना, आप लोग को भी याद हो जाएंगे मुझे भी याद हो जाएंगे, तो वो जल्दी आएगी वीडियो। फिर मैं किल नहीं चुराने देता बाबा जी, हम घुस जाते हैं ऊपर किल चुराने के लिए। गाइस कैंपिंग लेवल देख रहे हो, कैंपिंग लेवल देख रहे हो, उसके बाद नीचे साउंड आता है, तो फिर ये बंदा लेट जाता है बचने के लिए, लाइक ये शायद रैंक कुछ वाले थे ना तो डर रहे थे कि रैंक माइनस ना हो जाए, जब उसके स्क्वाड पे पूरा रश हुआ ना भाई ये तो डर गया और यहाँ लेट गया, ये इंडियन स्क्वाड था। फिर मैंने अपने भाई लोग की लूट की गाइस, और मैं बताना भूल गया कि ये मेरा रैंक है एस, और इस गेम प्ले के बाद ना एस के ना 3 स्टार्स हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी लॉबी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हाँ एस पे 3 स्टार्स हो जाएंगे। और फिर भाई लूट का नो मजाक, जल्दी जल्दी लूट के ऊपर भी जा रहा था मैं लूट वूट करने के लिए, और स्कारल थी M4 नहीं थी, M4 का अपना ही मज़ा होता है, और M4 जब तक ना मिल जाए ना दिल को सुकून नहीं आता, जब तक M4 नहीं मिलती ना दिल बेचैन रहता है, M4 मिले तो बताना M4 कहाँ है M4 कहाँ है। तो मैं भी ऊपर से नीचे से ऊपर सिर्फ M4 ढूंढने के लिए आया, बट बाबा जी कुछ मिला नहीं। और ये देखो लेफ्ट पे गैस कैन का ट्रैप, बट अभी मुझे बस M4 चाहिए थी, तो मैं खड़ा ही रहा, मैंने कहा भाई कर दो डैमेज दे दो, तो M4 तो देखनी है, M4 तो चाहिए भैया। और ये लोग फिर जूबी और साइलेंट ना नेट नेट खेलते रहे, और फिर हम करेंगे बाबा जी रश, लाइक हम दोनों निकल गए थे और ये लोग मस्ती कर रहे थे, तो हम दोनों रश करने के लिए निकल गए थे।
फिर हमने जंप लगाई अपनी गधा गाड़ी पे, और गधा गाड़ी पे बैठ के हम लोग बंदे ढूंढने जाएंगे। गैस यहाँ पे आके मैंने रोकी क्योंकि ब्रिज वाला जोन था और लग रहा था कि ब्रिज कैंप होगा, तो मैं यहाँ पे रुक गया। मेरे पास उजी थी, स्नाइपर कोई थी नहीं जो मैं लाइक शॉट्स ले पाता। जब मैं ऐसे अचानक से पीछे मुड़ा, दो दो बग्गी हैं। अरे गैस आप खुद बताओ येलो वाले को कितना डैमेज किया। और उसके बाद फाइनली मैं एक बंदे को डाउन कर ही देता हूँ, येलो वाला बहुत ज़्यादा लो था। फिर बस मैं अपने टीममेट को बोला भाई आ जाओ, हम लोग बाबाजी करेंगे रश, और भगाई अपनी घरा गाड़ी। और ये लोग ना लाइक अपने टीममेट को बचाने के लिए लाजमी रुके होंगे, यहाँ पे ये लोग रुक जाते हैं। तो मैं ओपन में नहीं रोकता, मैं साइड पे एज पे लेके ना रिज पे ले जाके गाड़ी रोक दूंगा, और फिर हमारे यहाँ पे खतरनाक फाइट हो जाएगी बाबा जी। ऐसे कैसे बाबा जी, तो यहाँ पे हमने मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। हमेशा नहीं आते बट हम कभी कभी आ जाते हैं। यस बॉयज एंड गर्ल्स, फिर चार चार लाइक लूट इतनी अच्छी मिल गई। और गैस यहाँ पे जब मैं इनकी लूट कर रहा था ना, ऊपर गाड़ी आई है, देखा आपने, गाड़ी एकदम से अपनी ज़िंदगी खतरे में आ गई है। मैं यहाँ पर आ गया, मैं उसको 3x बनाना था बट बनाया नहीं, उसको लेट स्प्रे मारा। लाइक बनाना था बट मौका नहीं मिला, और लेट के फिर मैं 6x से स्प्रे मारा। और जूबी लोग की अलग फाइट हो रही थी, वो लोग दूर थे कहीं पे, तो जैसे दो नॉक किया टीममेट को बोला भाई आ जाओ, दोनों करते हैं रश। और फिर हम अपनी गधा गाड़ी में बैठ के रोटेट करने के लिए ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाके ज़िंदगी एकदम खतरे में आ गई थी बाबा जी। और फिर हमने यहाँ पे कैसे फाइट ली वो आप देखो ज़रा। गाइज ये लोग जहरीले सांप बने हुए थे। और लेकिन ना बहुत तरीके के सांप होते हैं, एनाकोंडा और टाइफोन, पता नहीं कौन कौन से, पाइथन, टाइफोन तो नहीं पाइथन, हाँ पता नहीं, बहुत खतरनाक खतरनाक सांप होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप आपको पबजी में मिलते हैं। और इसको गाइज फिनिश किया, अब इसका टीममेट देखो कहाँ से निकलेगा एकदम से। लेकिन मैं इस बंदे को काफ़ी लो कर दिया था, तो मैं अपने टीममेट को बोला भाई जाके सिर्फ टच कर दो ये मर जाएगा। और फिर जब मेरे टीममेट ने उसको टच किया और फिर बचा लिया गया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बच चुकी थी, वरना लग नहीं रहा था कि जिंदा बचेंगे। और वो लेकिन उसका कैंपिंग लेवल भाई इतना पास गए, और फिर अचानक से जैसे मैं पीछे मुड़ा उस पीछे से निकल के मार दिया लॉल। हम दोनों ही वहीं पर घूम रहे थे, तो उसके बाद गए हमारे यहाँ पर भी जान नहीं छुटी। सामने रिच पे पूरा स्क्वाड आ जाएगा, जो कितना गंदा स्प्रे मार रहा था ना, लाइक गाइस लिटरली 350-400 मीटर दूर होगा, हाँ लाइक 300 मीटर से ज़्यादा था वो फासला, और वहाँ से वो लोग स्प्रे दे रहे थे एकदम ख़तरनाक वाला। वो आप भी देखो ज़रा, वो सामने रिच पे लाइक 8x से भी हल्के हल्के नज़र आ रहे थे, तो वो इतना गंदा स्प्रे दे रहे थे ना। मैं मज़े से जा रहा था ऐसे ही, बस कूदता कूदता के जाके कार 98 से अपनी मारेंगे। कौन सी मोहब्बत है हमारी, दूसरी वाली आई है, दूसरी मोहब्बत से मारेंगे। बट उन्होंने ऐसे गंदे शॉर्ट्स दिए ना, और ज़िंदगी खतरे में आ गई। फिर मैं भग भग के पीछे आया, अभी मरना नहीं है मैंने। फिर क्रेट पे आके हम लेट गए, यहाँ पे हमें 3 की वेस्ट भी मिल गई जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर हमने हील भी कर लिया खुद को, और फर्स्ट एड लगाने के बाद बाबा जी कार 98 हमारी दूसरी मोहब्बत हमारे पास है, हमें तो नहीं ना। फिर हमने गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग से खेला। अब जो साइलेंट और जूबी लोग हैं ना, ये लोग कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, लाइक स्क्रिम्स वगैरह बहुत खेलते हैं, तो ये फ्लैंक वगैरह वो सब इनको बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे साइलेंट को उसने इतनी दूर से नॉक किया, मैं रिवाइव दूंगा। और फिर मैं साइलेंट और जूबी को बोला कि भाई देखो, साइलेंट को रिवाइव मिला था, मैं बोला कि भाई मैं नॉक करता हूँ, मेरे पास स्नाइपर है, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया। जूबी जब रिवाइव करता मैं इन दोनों को बोला भाई देखो मैं स्नाइपर से देता हूँ कवर, आप लोग अलग एंगल से जाके इनको मारो, और मैं यहाँ पे इनको लाइक एक ना एक इंशाल्लाह नॉक कर दूंगा।
तो अब इन्होंने ऐसा ही किया, ये लोग हील करके भागे पीछे और ये एकदम रोड क्रॉस करके राइट वाले रिज पे चले जाएंगे ताकि ये स्क्वाड छोड़ा। अब देखो कैसे उन्होंने फॉर से स्मोक किया, इतनी दूर होने के बावजूद भी स्मोक किया। यहाँ पे कॉल लेवल 3 का हेलमेट मैंने तोड़ा भाई, और ये लोग फ्लैंक करके चले जाएंगे एंगल बनाने। और जब ये लोग एंगल बना रहे थे ना, उस स्क्वाड ने देख लिया कि भाई ये एंगल बना रहे हैं, तो वो ना गाड़ी लेके भाग रहे थे। और यहाँ पे हमें हमारी दूसरी मोहब्बत नहीं, तीसरी मोहब्बत, यस पता नहीं कितनी, वैसे तो एक ही है बट यहाँ पे हमने पता नहीं कितनी रख रखी है लॉल, ऐसी बस आप लोगों को ना हंसाने वसाने के लिए। तो यहाँ पे जब हमें M24 मिली और वो उन्होंने एंगल बनाए, लाइक टीममेट्स ने बताया कि वो लोग भाग रहे हैं, फिर हमने फैसला किया भाई अपनी छिपकली उठा के करेंगे रश और एंगल बनाएंगे उन पर और फिर दो साइड से उनको मारेंगे। तो बाबा जी अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो टक से ठोक दो। गाइस मिली मजे मजे की लूट, ऐसे अपने स्क्वाड का ना यूज किया करो। अगर आप एक जगह चार बंदे एक जगह रहोगे ना तो उससे क्या नुकसान होगा, या चारों अचानक से मर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा थर्ड पार्टी और वो सब। तो लाइक एक या दो बंदे हमेशा फ्लैंक कर दिया करो, उससे बहुत हेल्प होती है स्क्वाड की। जैसे भी हुई अच्छा स्क्वाड था बट हमने ट्रिक यूज़ करके लाइक फ्लैंक वाली उनको मार दिया। तो आप भी ऐसे अकल इस्तेमाल किया करो। इनकी गैस मजे से की लूट, उसके बाद हम लोग निकले दूसरे ब्रिज की तरफ जहाँ पे जोन था नोवा वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे। और अभी हमें बगी थी और यहाँ पे ना बड़ी दुखी दास्तान है। हाँ मैं जब दुखी दास्तान बोलता हूँ आई नो मैं मर जाता हूँ, बट इस बार मरा नहीं मैं, बट हाँ दुखी दास्तान है। फिर मैं एक नेट निकाला और यहाँ से साउंड आ रहा था तो मैं यहाँ फेंका, बट वो शायद लेफ्ट पे सीढ़ियों में बैठा था पता नहीं था। और फिर मैं दूसरा नेट निकालूंगा बाबा जी, और अब मुझे साउंड आ गया था कि वो छत पे जा चुका है, तो मैं छत पे फेंक रहा था एकदम कुक करके, और जैसे मेरे हाथ से नेट जाने लगा ये देखो, मतलब क्या नहीं मतलब क्या मिलता है भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दो दो नेट कर रहे हैं किल के लिए, बट किल तो चुराने अपने टीममेट को, बस ये ख्वाहिश होती है हमारे टीममेट को किल चुराने की, और हमारा किल भी चोरी हो गया। बट कोई बात नहीं बाबा जी, यहाँ से उनके बाद एंगल था चुरा लिया, देख कितने मज़े से बैठ गया घर में जाके, सही है भाई सही है। तो क्या उसके बाद हमने ब्रिज पे देखा, ब्रिज पे थे बंदे, तो अब मेरे पास स्नाइपर भी थी तो हमने ब्रिज पे रश करने का फैसला किया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी ना पहले से, मतलब तबाही हुई हुई थी यहाँ पे। तो ये बंदा नज़र आया, मैं इसको बॉडी शॉट मारा बट ये बच गया। फिर मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और सामने इनकी गाड़ी आ जाती है गाइस, बेक के कान के नीचे लगाया उसका बकरा बनाया, फिर दूसरे के कान के नीचे लगाया उसका बकरा बनाया। बट ये लोग अच्छा मार रहे थे, मुझे भी बॉडी शॉट पड़ा था, और ये वाला शॉट पता नहीं रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, वरना शायद वो भाई फिनिश हो जाते, और फिर टीममेट उसको कवर दे रहा था। और ये वाला बॉडी शॉट रजिस्टर हुआ, अगर हेड लगता तो शायद से स्क्वाड वाइप हो जाता, बट किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता, तो हम टेंशन नहीं लेंगे बाबा जी। फिर हमने की गए इस मज़े से लूट, और सॉरी हील किया लॉल, लूट कितनी भूख है ना, बट लूट ही मुंह से निकलता है। कान के नीचे बेइज्जती सी नहीं हो गई है ना, हाँ हो गई गाइस है ना, बेइज्जती सी हो गई, मतलब क्यों नहीं लगा भाई, मतलब नहीं नहीं मजाक हो रहा है। फिर ये कर रहे थे रश, मैंने यहाँ पे गाड़ी से एक बंदा नॉक किया, निकाल लिया अपने हमको जो कि ग्लिच हो गई थी पहले स्कोपिन में, और फिर दूसरे में मैं यहाँ पे एक और नॉक किया। अब ये ग्लिच आपको पता गाइस एकदम से स्कोप खोलोगे ना तो ग्लिच हो जाता है, तो आप फौरन से क्या करो, अभी ऑल रेड नहीं हुए थे, जब आपका ये ग्लिच हो ना तो आप फौरन से स्कोप बंद करो, और बंद करने के बाद दोबारा से स्कोप खोलोगे ना तो ये ग्लिच ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही गंदा ग्लिच है, पबजी ठीक नहीं करता, और अक्सर ना हम लोग क्लोज रेंज में स्कोप जब खोलते हैं ना इस चक्कर में मर जाते हैं, मैं भी बहुत बार मरा हूँ। ADS खोल लो तो वो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता, एम ऊपर चला जाता खुद पक्को दर, भाई गंदा ग्लिच मरवा देते हैं, आप लोग भी कई बार मरे होंगे इसकी वजह से, तो एक बार स्कोप ऑन ऑफ करोगे ना ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग रश कर रहे थे, ये लोग भी हम पे नेट बरसा रहे थे, इनके पास जोन नहीं था, हमारे पास बहुत अच्छी पोजीशन थी, बहुत अच्छा जोन था गाइस हमारे ऊपर, और लेकिन ये लोग कर देते हैं जूबी को नॉक। पाकिस्तान स्क्वाड था, तो फिर मैं बैंडेज मार रहा था यहाँ पे, और फिर मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ ताकि पीछे से बैकअप मिल रहा था, वैसे तो दूर थे मेरे टीममेट्स, मैंने यहाँ पे बैंडेज लगाया और इतने में ये लोग कर देंगे रश। पहले मैंने सोचा कि नेट करता हूँ शायद नेट से फट जाए, जैसे मेरे हाथ में नेट था ना ये लोग गाइस आगे रश करने आ जाएंगे। एक भाई मेरे नेट से फट गए थे और दूसरे भाई को मैंने M4 से फिनिश किया, उनका नेट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डैमेज हो गया था मैं भी, और जूबी की हेल्थ भी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन बाबा जी हमने मौत कुछ हुआ
टक से वापस आ गए ब्रिज पे। देखो क्या मतलब नहीं, इतनी ज़्यादा करेट्स पड़ी थी ना, मज़ा आ गया था ब्रिज कैंप करे। लाइक ब्रिज कैंपर्स जिनने कैंप किया था उनको मार के, और मैं बोलने वाला था ब्रिज कैंप करके लॉल। और फिर बहुत ज़्यादा क्रेट्स से लूट करने के बाद गए, मैंने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और जहाँ पे जोन था एकदम वहाँ पर आ गए, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट वाली लोकेशन थी। और यहाँ पे एक पाकिस्तानी बंदा था और वो ऐसी जगह छुपा ना गाइस। अब आप लोग सोचोगे अंदर टॉप पे ऊपर, हाँ हम भी वही समझे थे और हम लोग गए भी थे वहाँ पे। लाइक पहले जब हमें बग्गी नजर आई हम समझ गए बंदा यहाँ पे, और फिर हम उसको ढूंढने के लिए अंदर गए। मुझे डाउट उठ था ऊपर लेटा होगा, बट ये लोग अंदर गए ना, वो लेट के घसीटने का साउंड आता है ना वो आ रहा था, और फिर हमें लगा ऊपर है, तो हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ से ऊपर गए हम लोग ढूंढने के लिए बंदा, बट वहाँ कोई था नहीं, बेइज्जती सी हो गई थी ऊपर जाके, कोई था नहीं, साउंड आ रहा था बट कोई मिला नहीं। तो हम लोगों ने वापस फिर नीचे जंप किया, और फिर मुझे आइडिया हुआ जब मुझे दोबारा साउंड आया ना कि यहाँ पर बंदा नहीं है और फिर भी साउंड आ रहा है। फिर मैं इनको बोला कि बाहर वाली साइड से वो ऊपर लेटा होगा, तो वहाँ से चढ़ते हैं। अब वहाँ से मुझे रास्ता पता था कि यहाँ से ऊपर कैसे जा सकते हैं इस जगह से, तो मैं जाने लगा। लेकिन वो बंदा भाई टीपी पे लेके पहले से कर रहा है वेट, और अपना कबाड़ा होने वाला है। कबाड़ा हो गया गाइस अपना एकदम से। अब मुझे पता नहीं कि मुझे ऊपर वाले ने मारा या इस भाई से नॉक हो गया था मैं, लेकिन कवर मिली क्योंकि वो बंदा काफ़ी लो था और वो नॉक हो गया। और ऊपर वाला फिनिश करने आया था तो फ़ौरन से टीममेट ने कवर दिया, और ऐसे ही कवर दिया करो अपने टीममेट को। और अगर ज़रूरत पड़े ना गाइस, तो अगर आपका टीममेट नॉक पड़ा है ना, अब ये बात बहुत गौर से सुनना, अगर आप समझ गए तो बहुत हेल्प आएगी आपकी, बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका टीममेट नॉक है ना, उसको फिनिश किया जा रहा है, तो खुद आगे आके ना जब तक वो कवर में जाता है थोड़ी कवर दो, और खुद थोड़ी बहुत गोलियाँ खा लो कि आपके टीममेट को फिनिश ना कर पाएँ। लाइक दो चार गोलियाँ खा के हट गए, दो चार गोलियाँ खा के हट गए, ऐसे भी अपने टीममेट्स को बचाया जाता है। कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही करते हैं लोग, और समटाइम हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि खुद आगे आ जाते हैं, नॉक वाले टीममेट फिनिश नहीं होने देते। तो आप लोग भी ऐसे किया करो, फिर ऊपर वाले बंदे को मार देते हैं। और ऐसे ना भाई, जब गाइस ऊपर वाला बंदा मरता है ना, अभी मरा नहीं था बट मेरे टीममेट्स को उसका किल मिलता है, तो ऊपर वाले को ये लोग मारेंगे। और सामने दो बंदे थे, अब ये लोग ओम चला रहे थे, इन्होंने ओम से किसी को मारा। मैं इनका लेवल 3 का हेलमेट तोड़ा, ये लोग शायद ड्रॉप वगैरह लूट किया था, इन्होंने फ्लेयर मंगवा रखी थी। तो जुबी ने ऊपर वाले को मार दिया था, बाकी बचते हैं अब दो बंदे। तो हम दो बंदों पे करते हैं रश अपनी मेहरान गड्डी के साथ। एक को साले ने कर दिया नॉक, और दूसरे वाला गाइस ग्रोजा से मारेगा। मैं बता रहा हूँ जो एंडिंग है ना, बहुत ही एकदम क्या एम चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे, बट वो पीक लेके मार रहा था और मैं ओपन से रश कर रहा था। आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में कि हो क्या गया था भाई ये, अब नज़र नहीं आ रहा था फिलहाल, तो हम लोग स्कोप इन करके देख रहे थे। लेकिन अचानक से मुझे साउंड नज़र आएगा कि वो पेड़ पर आया, दरख्त पर आया। देखो गाइस राइट वाले पे, वो लेफ्ट वाले पे आया था, लेफ्ट वाले पे। और जैसे उसने पीक ली बाबा जी अपनी M416 से हमने विनर चिकन डिनर लिया। और 2 स्टार मेरे ऑलरेडी थे गाइस, एस था। और अब आप देखोगे कि मेरा ना मतलब 3 स्टार हो जाएगा, आई गेस 1 पॉइंट रह गया था मेरा 3 स्टार से, उसके नेक्स्ट वाले गेम प्ले में वो भी हो गया था। अभी इस साइड पर पॉइंट्स आएंगे, हाँ देखो गाइस 5399 हो गए थे, 1 पॉइंट रह गया था, वो नेक्स्ट गेम प्ले में हो जाता है तो हमें मिल जाता है 3 स्टार। और फिर गाइस अभी मुझे कमेंट्स में चैलेंज आया था कि TDM ओनली कार 98 करो, और कार 98 में ना MVP आना है अपने। मैंने कहा ओके भाई ट्राई करेंगे। यहाँ पर पहला किल हमारा हो जाता है चोरी, दूसरा भी हमारी आंखों के सामने से चला जाता है। बट हमने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नड़क अच्छे के लिए होता है। जॉन सीना भैया दो कार 98 लगा के जा रहे हैं, अपना पिछवाड़ा ज़मीन पर घिसते हैं, और हमने एक किल किया यहाँ पर। ट्राई करेंगे अब दोनों कार 98 यूज़ करके हम लोग MVP आ सकें। और एक किल करने के बाद दूसरे भैया आ रहे हैं, आइए आइए। और ये जॉन सीना ने दूसरा मारा उनके पिछवाड़े पर, और जॉन सीना ने तीसरा मारा उनके पिछवाड़े पे। जॉन सीना को मिल चुके हैं 3 किल, पत्ती पत्ती टांगों वाला जॉन सीना। ओ बच गया, ओ बच गया भाई, रुक जा भाई, भाई एक मिनट, एक ओ ये तो कारंटेड से मार दिया, बेइज्जती सी नहीं हो गई गाइस, बट कोई बात नहीं, होती रहती है बेइज्जती, तो होती रहती है, बेइज्जती होनी चाहिए वैसे, तारीफ होती ना फिर बेइज्जती भी होनी चाहिए। यस यस यस, ओ गाइस ये मरा ही नहीं बॉडी शॉट से, ओके तो हमने दोबारा मारा। ये भाई तो ऊपर से नज़ारे ले रहे थे, और ये हमने अपना बदला लिया चिट्टे तेरे से, चिट्टे भैया ने हमें मारा था, जॉन सीना को मारा था चिट्टे भैया ने। फिर रीलोड कर रहे थे गाइस, हमने जॉन सीना अपनी कार 98 रीलोड करते हुए, वो फिर चिट्टा आया, चिट्टे को बॉडी लगा, चिट्टा भैया मर गया चिट्टे। और ये पर्पल आ रहा, पर्पल को बॉडी लगा, अरे दूसरा शॉट लग जाता ना मज़ा आ जाते, बट पर्पल को मारने, पर्पल ने हमारे साथ बड़ा गलत किया।
पर्पल के पिछवाड़े में जॉन सीना जब तक कार 98 से गोली नहीं मारेगा जॉन सीना खुश नहीं होगा। पर्पल भैया वेयर आर यू, कम हियर पर्पल। ओ वाइट वाले भैया आ गए ये तो, और ये वाइट वाले भैया चले भी गए, और ये भाई ऊपर से नज़ारे ले रहे थे, मिस हो गया क्योंकि मेरी ना सेंसिटिविटी 4x की ना स्प्रे वाली है, स्नैपिंग वाली नहीं है। तो पर्पल वाले भैया आ गए, पर्पल वाले भैया रुक जाओ, पर्पल वाले भैया के पिछवाड़े में कार एंटर मारनी पड़ेगी गाइस, कोई इज्जत है नहीं है। पर्पल वाले भैया बार बार मारे जा रहे हैं। ओ चिट्टा बच गया, तो चिट्टा गया कहाँ, वो भाग रहा है। ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे भाग रहे हो हमारे घर की तरफ, अपने घर वाली साइड से आते हो, उधर नहीं जाने का, पिछवाड़े में कार एंटर पड़ेगी। पर्पल वाले भैया भाग रहे हैं, पर्पल वाले भैया अपने में दो बार मारा, वो बच गए। पर्पल वाले भैया आइए, ये गए पर्पल वाले भैया। ओ ओ ओ भाई लालू खेत, ओ भाई ओ ओ ओ सबर सबर ओके। चिट्टा आ गए, चिट्टे पर्पल भी आ रहा है, चिट्टा भी आ रहा है। ओ भाई इन्होंने तो चिट्टे ने ना वाइट वाइट इसने ना वो मार दिया था, फाट मार दिया था, सारा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। लॉल रुक जा पर्पल, पर्पल के साथ प्रैंक हो गया गाइस, बाबा जी पर्पल वाले के साथ प्रैंक हो गया। ओ लालू खेत फिर आ गया, ए लालू खेत, ओ भाई फिर ओके। ये ढांचे ने मार दिया, ढांचे तू किधर से आ गया, तू तो पहले था ही नहीं मेरे भाई, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम ढांचा। अब ढांचे को भी ढूंढना पड़ेगा गाइस, 13 किल हमारे हो चुके हैं। पर्पल खबर, पर्पल पर्पल मेरे 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 हाँ पर्पल से बदला एक और बार ले लिया, पर्पल को हमने ज़्यादा बार मारा भाई, पर्पल ने हमें दो बार मारा था, हमने पर्पल को 3 बार मारा। वेयर इज ढांचा, ये ढांचा था पता नहीं या वो ऊपर जो लेट रहा था वो था। पर्पल एक और बार गया, 4 बार मारा पर्पल, नहीं ढांचा नहीं था, ढांचा अब आ रहा है, ढांचे ढांचे नहीं, बॉडी लगा ढांचे को, ढांचे रुक, ढांचे नहीं, ढांचे का किल चोरी कर लिया हमारा। ओ लालू खेत भैया मर गए, ढांचे का किल हो गया चोरी, कोई बात नहीं बाबा जी। ओ लालू खेत एक और बार मर गए, पर्पल बोल रहा ढांचे को मारना, ढांचा ढांचा वेरे ढांचा, ये ढांचे के पिछवाड़े में लगी कान एंटी गोली, और ढांचे से बदला ले लिया हमने। और फिर गाइस हमें मिल जाता है विक्टोरी, और चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है, हम लोग एमवीपी भी आ जाते हैं, एमवीपी भी। गाइस कैसे लगता है आपको, रोज़ का एक नया टीडीएम ऐड करता हूं मैं, तो मुझे कमेंट्स में बताना, और वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, दिल से माफ़ कर देना। और इंस्टाग्राम पे गाइस फॉलो कर देना, वहाँ पे हमारे 50,000 फैमिली हो गई, आप जाके लाजमी फॉलो करना, और कोशिश करना नमाज़ कायम करो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।